आप देख रहे हैं केएसएन 24 न्यूज, पल पल की खबर। ठंड शुरू होते ही कहा जाता है कि सांप नहीं दिखते, पर जिले में इस वक्त समय भी आए दिन सांपों का निकलना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जिला पंचायत के सामने उस समय भीड़ लग गई जब देखा गया कि रोड किनारे एक अजगर सड़क पार कर रहा था, जिसकी सूचना राहगीरों ने स्नेक रेस्क्यू को दी। स्नेक कैचर तत्काल मौके पर पहुंचे और सांप को अपने कब्जे में लिया। दूसरी घटना पंप हाउस की है, जहां न्यूज चैनल में कार्यरत महिला अकाउंटेंट मुस्कान भंडारी उस समय सकते में आ गई जब ऑफिस का काम खत्म कर घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने करेत जैसा एक सांप दिखाई दिया, जिसको देखते ही वे अपने घर से भाग खड़ी हुई। इसके बाद स्नेक कैचर को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित अपने पास रख लिया। स्नेक कैचर ने आम जनता से अपील की है कि सांप दिखे तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय सीधे उन्हें फोन करें, ताकि सभी सुरक्षित रह सके। सर, जैसा कि जानकारी मिला था, जिला पंचायत के पास एक काफी बड़ा सा अजगर निकला हुआ था, जिसकी वजह से काफी आने जाने लोगों को परेशानी हो रहा था, काफी भीड़ हो चुका था। उस समय मैं ऑलरेडी रेस्क्यू कर रहा था, जिसके बाद मैंने अपने टीम मेंबर राजू बर्मन जी को और मनीष जी को और हमारे साथी कुछ गए हुए थे वहाँ रेस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और कहीं ना कहीं एक जनहानि होने से रुका। और साथ ही साथ लोगों के बीच में एक अवेयरनेस दिखा, तत्काल वो सूचना दिए। इस तरीके से हमने दो रेस्क्यू एक ही जगह एक ही आसपास में किया, जो कि एक कॉमन करेत का रेस्क्यू था और एक अजगर का रेस्क्यू था, तो सुरक्षित हमने उसको रेस्क्यू कर लिया। मैम, आपका परिचय? जी, हमारा नाम मुस्कान भंडारी है और हम बीसीसी न्यूज में जॉब करते हैं। और जैसे कि हम शाम को जब इवनिंग में हम आए वहां से ऑफिस से घर, और फिर हम जैसे ही वॉशरूम गए तो वॉशरूम के साइड में ही मतलब तो हमको सांप दिखा। तो फिर हमको लगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब आप लोग रेस्क्यू करते हैं और तब हम लोग खुद ही दिखाते हैं टीवी पे न्यूज में कि मतलब ये सांप था। फिर जैसे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन बताया कि कौन सा सांप किस कलर का या कैसा होता है, तब वो क्या है, तो फिर हमको लगा कि वो करैती होगा, एंड दैट्स व्हाई फिर हमने आपको कॉल किया और फिर आप लोग आए और फिर आपने देखा जो भी था।